वैसे सरकारी तंत्र यूं भी बड़ा खराब माना जाता है। सरकार से यदि बच्चों को स्कूल के लिए साइकिल मिलती है वो भी इतनी घटिया रहती है कि एक दो महीने में टूट जाती है। जो भी गवर्नमेंट देती है सुविधाओं के लिए वो सारी चीजें इतनी वाहियात होती है कि सरकार को भी शर्म आ जाती है। अभी स्वास्थ्य विभाग का छपा, शिक्षा विभाग का छपा, तमाम सारा छपा, लेकिन बात ये कि जब विधायकों के साथ इस तरह की चीट हो रही है तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश का भविष्य भाजपा के राज में अंधकार हो। क्या क्वालिटी है? अभी मैंने नहीं चलाया, मैंने अभी नहीं चलाया क्योंकि मैं तो छपा हुआ बजट भी ले लिया था और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में मुझे बैठना पड़ता है तो पूरे मध्य प्रदेश के जिले जिले के लोग आते हैं तो मुझे काफी वक्त उसमें देना पड़ा। अब रखा, अब जाके देखूंगा भाई, अभी तो क्या बताएं, बस सब देखेंगे। अरे अभी नहीं किया, मैं बताया तो सही, मेरे पास मध्य प्रदेश के तमाम जिलों के लोग आते हैं जो मुझे विधानसभा की कार्रवाई के लिए क्या प्रश्न उत्तर उसको देख सकते हैं और बाकी की डिटेल्स पुरानी छपी हुई किताब फिर मत दिलवाओ, छपी हुई किताब भी भेज दी मेरे वहाँ, वो भी दे दिया, वो छपा हुआ बजट भी मुझे दे दिया है। अब बैठ के आराम से उसको चेक करेंगे और गोविंद सिंह जी ने जो प्रश्न उठाया उसको देखेंगे। आप लोग ने निर्वाचन को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि झूठ बुलवा दिया गया? हाँ हाँ जी, बिल्कुल खड़े किए और ये प्रश्न सही खड़े किए कि महामहिम राज्यपाल जैसे पवित्र पद के व्यक्ति से मध्य प्रदेश की विधानसभा के सदन में इतना भयानकतम झूठ बुलवाया गया, ये आश्चर्यजनक। मैं आखिरी लाइन की बात करता हूँ, आप पूरा पढ़ लेना राज्यपाल जी का अभिभाषण, उसमें आखिरी लाइन उन्होंने दी है कि विकसित मध्य प्रदेश, विकसित मध्य प्रदेश को हम सब आगे और लेके चलें। ये विकसित होता तो लाखों लाख सीएम हेल्पलाइन पे शिकायतें पेंडिंग नहीं होती, लाखों लाख शिकायत पेंडिंग है, किसी का निराकरण नहीं हो रहा, कर्ज में प्रदेश डूबता जा रहा है, ये विकसित मध्य प्रदेश नहीं है। तो इस तरह के तमाम झूठ बुलवाए उसको।